मार्च महीने के 12 दिन बीत चुके हैं। अंतरिक्ष में ऐसी कई गतिविधियां अब भी बाकी हैं, जिसे देख आप ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जानकर हैरान हो जाएंगे। इस महीने में कई तारे, सितारे और चांद एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि इस महीने में कौन से ग्रह किस ग्रह के नजदीक आ रहे हैं और चांद किसकी तरफ झुक रहा है, कौन से तारे सितारे दिखाई देंगे और कौन से सितारे नहीं दिखाई देंगे। 14 मार्च क्रिस्टेन मून। 14 मार्च यानी कि रविवार की रात चंद्रमा एकदम पतला और नाखून की तरह दिखाई देगा। इसे देखने के लिए आपको किसी यंत्र की जरूरत नहीं होगी, ये आपको सूरज ढलने के बाद दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास दूरबीन या बायलोक्यूलर्स है तो आपको नजारा और भी सुंदर दिखाई दे सकता है। 16 मार्च क्रिस्टेन मून और यूरेनियस एक साथ दिखाई देंगे। 16 मार्च की शाम को एक बार फिर पतला नाखून जैसा चांद यूरेनस ग्रह के साथ दिखाई देगा। इस समय यूरेनस ग्रह के नीचे की तरफ चांद 5.5 डिग्री साउथ की ओर दिखाई देगा। यूरेनस को देखने के लिए आपको किसी उपकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी चमक ही काफी होती है। लेकिन अगर आपके इलाके में पॉल्यूशन है तो आप दूरबीन या टेलीस्कोप की मदद भी ले सकते हैं। 18 और 19 मार्च चांद, प्लीएड्स और मंगल ग्रह। ये नज़ारा बेहद खूबसूरत दिखाई देगा जब एक ही जगह पर चांद, मंगल ग्रह और प्लीएड्स तारे दिखाई देंगे। 18 मार्च की रात से शुरू होने वाला ये दुर्लभ नज़ारा 19 मार्च की रात तक दिखाई देगा। 18 की रात को चांद प्लीएड्स तारों के समूह यानी कि साउथ वेस्ट में दिखाई देगा और फिर इसी बीच में लाल रंग की चमक के साथ मंगल ग्रह भी दिखाई देगा। 21 मार्च चांद, जेमिनी और M35। 21 मार्च की रात को जब चांद के पहले क्वार्टर का हिस्सा पूरा होगा तब वो जेमिनी नक्षत्र के आसपास होगा। उस समय चांद, जेमिनी नक्षत्र और M35 तारों का समूह दिखाई देगा। चांद की रोशनी में तारों का ये समूह थोड़ा मुश्किल से दिखाई देगा, लेकिन अगर आपके पास दूरबीन या टेलीस्कोप है तो ये नज़ारा आपको एकदम साफ साफ दिखाई देगा। इसके अलावा 22, 25 और 27 मार्च को चांद अलग अलग तारों के समूहों के साथ कंजक्शन बनाएगा। 22 मार्च को चांद कैस्टर और पोलक्स के साथ कंजक्शन करेगा और फिर 25 को चंद्रमा एटा लियोनिस और रेगुलेस के साथ कंजक्शन करता दिखाई देगा, लेकिन यह नज़ारा काफी धुंधला होगा। 27 को चांद न्यू वर्जिन्स नाम के एक चमकदार सितारे के पास होगा। आइए अब आपको बताते हैं कि कंजक्शन होता क्या है। अंतरिक्ष विज्ञान की भाषा में जब सौर मंडल के ग्रह, तारे, सितारे और चांद एक दूसरे के नजदीक दिखाई देते हैं या फिर एक दूसरे के पास होते हैं तो उसे कंजक्शन कहते हैं, यानी योग, संयोग और जुड़ाव। ज्यादातर मामलों में तो ये खुली आंखों से दिखाई देते हैं, लेकिन इन्हें देखने के लिए अगर आपको बायलोक्यूलर्स या टेलीस्कोप की जरूरत हो तो वो भी बेहतर होगा। कंजक्शन दिन में भी होते हैं और रात में भी। रात के कंजक्शन तो हमें दिख जाते हैं, लेकिन दिन में होने वाले कंजक्शन सूरज की रोशनी तेज होने की वजह से दिखाई नहीं देते। आमतौर पर कंजक्शन देखने का सबसे सही समय होता है सूरज उगने से पहले या फिर सूरज ढलने के बाद।